नमस्कार, रागगिरी वीकेंड इंटरव्यू सीरीज में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। इस हफ्ते हमारे मेहमान हैं हारमोनियम वादक सुयोग जी। कल बातचीत के पहले हिस्से में हमने उनसे पूछा कि हारमोनियम उन्होंने क्यों चुना और कैसा चल रहा है उनका संगीत सफर और उसके क्या क्या पड़ाव रहे, कौन कौन से गुरु रहे। आज इस बातचीत में देखेंगे जिन महान कलाकारों के साथ उन्होंने संगत की उनकी क्या प्रतिक्रिया रही, उनसे जुड़ी कुछ अनसुनी कहानी, कुछ अच्छे संस्मरण इस दूसरे हिस्से में। चलिए अब इस इंटरव्यू के दूसरे हिस्से में आते हैं और ये प्रश्न भी, जैसे पिछले हिस्से में मैंने कहा था कि पहला प्रश्न थोड़ा अटपटा लग सकता है, वैसे ये भी थोड़ा सा अटपटा प्रश्न है। मैंने बहुत सारे कलाकारों को देखा, खासतौर पर जी बनारस की आप बात कर लें या जो हमारा उत्तर जी प्रदेश का जो बेल्ट है जहाँ से क्लासिकल म्यूजिक और सेमी क्लासिकल म्यूजिक बहुत सारा आता है। हारमोनियम बजाने वाले कलाकार को, आप हारमोनियम बजाते हैं बहुत अच्छी बात है, आपको गाना भी आता है बहुत अच्छी बात है, लेकिन अक्सर बड़े कलाकार उनको टोकते हैं, कब तक हारमोनियम बजाओगे, गाना क्यों नहीं शुरू करते, मंच पे जाके प्रस्तुतियां क्यों नहीं देते। यहां तक कि अगर आप ने कभी गौर किया हो, गिरजा जी के साथ, गिरजा देवी जी के साथ धर्मनाथ जी बजाते हैं, उनके साथ जो संगत जी करते हैं, और जी धर्मनाथ जी खुद मुझसे कह रहे थे कि अप्पा जी हमको बाद के दिनों में डांटती थी कि तुम कब तक बैठ के यहाँ पे संगत करते रहोगे, गाते क्यों नहीं हो। और फिर धर्मनाथ जी ने एक दो कार्यक्रम दिल्ली में कामानी में किए भी और बहुत मीठा गाते हैं और क्या कमाल की ठुमरियां गाते हैं, मतलब वो आपको लगता है कि वो जो हारमोनियम में रस था ना, वो दरअसल उनके गले से ही निकलता था। आपको भी लोगों ने जरूर टोका होगा, आपको भी लोगों ने जरूर कहा होगा, यार कब तक बजाओगे हारमोनियम, अब मंच पे बैठो और पक्का गायन शुरू करो, ऐसा हुआ क्या? ऐसे होता था और होता है, क्योंकि अभी तक हारमोनियम को देखने की सोच वही है थोड़ी। और इसको मुझे लगता है बदलाव लाने की जिम्मेदारी खुद हारमोनियम वादकों की है, क्योंकि आज तक हारमोनियम सिर्फ एक संगत का वाद्य इसी दृष्टि से देखा गया है। तो हारमोनियम की जो क्षमता है, उसकी जो म्यूजिकल एबिलिटीज है, उसका उससे जो म्यूजिक निकलता है, वो अभी तक एस्टेब्लिश नहीं हुआ है या नहीं होने दिया है, ऐसे आज मैं कह सकता हूं। क्योंकि कंठ ये भी एक वाद्य है, सितार अपना एक वाद्य है, सरोद अपना एक वाद्य है, बांसुरी अपना वाद्य है, संतूर अपना एक वाद्य है। हर एक वाद्य की अपनी उपलब्धियां हैं और कुछ मर्यादाएं भी होती है। लेकिन हारमोनियम एक, देखो वायलिन भी वेस्टर्न मतलब बाहर से आके अभी पूरा अच्छा उसका एक म्यूजिक को म्यूजिक में एक्सेप्ट किया है वायलिन को। बिल्कुल हारमोनियम में मींड और गमक नहीं निकलता, ये सच बात है, सत्य बात है। लेकिन उससे मींड गमक प्राण है हमारे राग संगीत के, ये मैं अच्छी तरह से जानता हूँ। लेकिन जो म्यूजिक निकलता है हारमोनियम से, राग संगीत, वो आप पहले और ये हारमोनियम वादकों की भी मैं कहता हूँ जिम्मेदारी है कि प्योर राग संगीत आप बजाएं, ना कि केवल धुन बजाया हारमोनियम पर, एक नाट्य संगीत बजाया, ठुमरी बजाया और काम हो गया, ऐसे नहीं चलेगा। मुझे लगता है हारमोनियम पर बाकायदा विशुद्ध राग संगीत बजाना ये एक हारमोनियम वादक की जिम्मेदारी है, और उसी से वो एक अच्छे राग संगीत के स्टेज पे एस्टेब्लिश होगा। बहुत से पुराने हारमोनियम वादकों ने ये किया है कि अच्छा राग संगीत बजाया है, और मुझे लगता है ये लोगों की भी जिम्मेदारी है कि जब आप हारमोनियम सुनने के लिए जाएं तो केवल धुन या ठुमरी उससे सुनने की अपेक्षा न रखें, उस पर भी यमन, बागेश्वरी, भीमपलासी, तोड़ी, अहिर भैरव सब बजता है, वो सुनने की आप कोशिश कीजिए और उसकी फरमाइश कीजिए आर्टिस्ट को। और जैसे कि आपने कहा कि मुझे भी बहुत सारे लोग कहते थे और कहते हैं कि अरे तुम इतना गाते हो, गाना सीखा है तो हारमोनियम ही क्यों, तो मुझे ऐसा लगता है कि मेरा जो एक्सप्रेशन है वो मैं हारमोनियम के द्वारा लाने की कोशिश करता हूँ। मुझे मालूम है हारमोनियम से क्या निकलता है और क्या नहीं, लेकिन हारमोनियम से जो जो कुछ निकलता है वो बहुत अच्छी तरह से मैं प्रेजेंट करने की कोशिश करता हूँ। और ऐसा मैं दुय्यम वाद्य उसको नहीं समझता कि हारमोनियम केवल एक संगत का वाद्य है और वो मंच के बीच में नहीं आ सकता, ऐसे मैं एज अ म्यूजिशियन नहीं समझता, न कि सिर्फ हारमोनियम वादक के तौर पे, मैं ऐसा नहीं समझता। उस पे भी अच्छा संगीत बजता है। और जस्ट जैसे आपने धर्मनाथ जी का जिक्र किया, तो
ऐसे मैंने भी कुछ गायन प्रस्तुतियां दी हैं, और पुणे में जो सवाई गंधर्व संगीत महोत्सव होता है, 2 साल पहले उसके पश्चात उन्होंने एक संगत समारोह, संगत संगीत समारोह ऐसा अनाउंस किया था। उसमें जो जो पुणे के तबला वादक, मतलब सभी नहीं, जो गाना सीखे हैं और गाना जानते हैं प्रेजेंट करना, उनकी ही उन्होंने 2 दिन का महोत्सव का आयोजन किया था। तो पंडित रामदास परसुले जी है, मैं है, पंडित भरत कामत जी है। तो हमने उसमें गायन प्रस्तुति, मतलब पूरा विलंबित ख्याल, एक आध कुछ दूसरा राग, फिर ठुमरी, अतिद्रुत तराना, ये सब प्रस्तुत किया था उधर। लेकिन मुझे, मैं एकदम मन से कहता हूं कि मुझे कभी ऐसा नहीं लगता कि हारमोनियम छोड़ के मुझे गाने पे, मतलब एज अ परफॉर्मर, कॉन्सेंट्रेट करना चाहिए। मैं गाने पर भी बहुत कॉन्सेंट्रेट करता हूँ, मेरे जो शागिर्द हैं मैं उनको गाना भी सिखाता हूँ, क्योंकि जब हम अंदर से नहीं गाए, जैसे मैंने कहा, तो वो अच्छा प्रेजेंटेशन नहीं हो सकता। मैं जब बजाता हूँ या संगत करता हूँ तो अंदर से गाता हूँ, और सुरों की जो बारीकियां हैं वो आपको तानपुरे से ही पता चलती है। तो मतलब तानपुरा आपको अच्छा ट्यून करना आना चाहिए, और ये मेरा सौभाग्य रहा कि अच्छे अच्छे कलाकारों के तानपुरे, उनके महफिल में उनके विश्वास से मुझे ट्यून करने का अवसर भी मिला है। मतलब मालिनी ताई राजूरकर जी है, गाना सरस्वती किशोरिया मुनकर जी है, डॉक्टर प्रभात रे जी है, पंडित वेंकटेश कुमार जी हैं, तो मैंने उनके महफिल में उनके तानपुरे ट्यून करके दिए हैं। तो मतलब आप तानपुरे से लगाव रखो, पहले पहला ईमान तानपुरे से है, बाकी जो सब माध्यम है वो अपने अपने माध्यम से संगीत निर्माण करता है, ऐसे मुझे लगता है। तो गला भी एक यंत्र है, वो अपने माध्यम से संगीत निर्माण करता है, और मेरा हारमोनियम अपने माध्यम से संगीत निर्माण करता है। हाँ, अलग एक, हर एक की मैंने जैसे कहा कुछ उपलब्धियां हैं, कुछ कमियां हैं, तो कमियां मुझे हाईलाइट नहीं करनी है ना हारमोनियम की। जो नहीं बजता हारमोनियम पे वो मुझे मालूम है, तो मैं बस वो लेके बैठूं और अरे मिंट गमक नहीं निकलता, अरे मिंट गमक नहीं निकलता कह के ही बजाना शुरू करूं तो अच्छी बात नहीं है। जो अच्छा कुछ निकलता है वो प्रेजेंट करने की मैं एज अ म्यूजिशियन कोशिश करता हूँ, मेरे हारमोनियम के माध्यम से, ऐसा मुझे लगता है। वो असल में बड़ी प्रचलित कहावत है कि ग्लास आधा खाली है या ग्लास आधा भरा है, और आप ग्लास आधा भरा है को भी एक अलग दृष्टिकोण से देखते हैं कि आधा भरा है, लेकिन वो जो आधा खाली है उसको भी भरा जा सकता है, उस तरफ बिल्कुल कदम बढ़ाना चाहिए। और मुझे लगता है कि शायद ये सिर्फ हारमोनियम की बात नहीं है, तमाम आप इंस्ट्रूमेंट देख लीजिए, जी, संतूर ही शास्त्रीय संगीत में संतूर ही कोई बहुत शुरुआत से नहीं बजता था, या सारंगी जिसको गले के सबसे करीब का वाद्य यंत्र माना जाता है, इन सबको समय समय पर इनके कलाकारों को बहुत मजबूती से अपना स्टेटमेंट देना पड़ा कि साहब ये हमारा जो वाद्य यंत्र है ये अपने आप में बिल्कुल मुकम्मल है। आप भी इस तरह से देखा जाए तो ये एक बहुत लड़ाई शब्द इस्तेमाल कर रहा हूं, लेकिन लड़ाई किसी नेगेटिव उसमें नहीं यूज कर रहा हूं, एक बड़ी मुहिम की तरह से है कि हारमोनियम भी सही, सोलो इंस्ट्रूमेंट के तौर पर लोग सुने, सराहें, बिल्कुल और कलाकार उस इंस्ट्रूमेंट की ताकत को पहचाने। क्या रेशियो रहता है एसईओ भाई, अगर आप मुझे समझा सकें कि अगर मान लेते हैं साल के 100 प्रोग्राम हैं, उसमें कितने कार्यक्रम ऐसे होते हैं जो आप सोलो बजाते हैं और कितने ऐसे होते हैं जिसमें आप संगत पे रहते हैं? बहुत अच्छा प्रश्न है, और मुझे बहुत दुख होता है ये कहने के लिए कि उसमें 90% कार्यक्रम संगत के होते हैं मेरे, और खाली 10% मेरे मेरे बारे में कहता हूं। मतलब हर एक हारमोनियम वादक का अनुभव अलग अलग हो सकता है, मैं मेरे बारे में कहता हूँ। तो मुझे ऐसे लगता है कि जैसे आपने अभी जिक्र किया कि संतूर ने अपना एक, शिवजी पंडित शिव कुमार शर्मा जी ने उसको इतना सुंदर तरीके से प्रेजेंट किया, तो हारमोनियम वादक भी कर रहे हैं, लेकिन उसका प्रॉब्लम ये हुआ है कि वो पहले से ही इतना संगत का वाद्य, संगत का वाद्य इसी दृष्टि से देखा गया है, तो वो झगड़ा अभी तक चालू है। और मुझे लगता है वो मेरा जो 10% है वो 20-30 तक बढ़े, ऐसी मैं इच्छा कामना जरूर करता हूँ कि वो भी प्रेजेंटेशन का परसेंटेज बढ़े, ऐसे मुझे जरूर लगता है, और बढ़ने लगा है। चूंकि
पहले के जमाने में बिल्कुल ना के बराबर था, बिल्कुल ना के बराबर था, लेकिन अभी हो रहा है। लेकिन जो मेजर म्यूजिक कॉन्फ्रेंस रहती है देश की, उसमें भी आप थोड़ा समय हारमोनियम को दीजिए एज अ सोलो इंस्ट्रूमेंट, तो ज्यादा लोगों तक ये पहुंच सकता है। आज इतने अच्छे अच्छे हारमोनियम वादक काम कर रहे हैं, तो बस आधा घंटा मैं इस माध्यम से, एक्चुअली मेरी अपील आप समझिए कि ऐसे बड़े महोत्सव में अगर हारमोनियम को आधा घंटा भी मिलता है परफॉर्मेंस के लिए, तो वो अच्छी बात रहेगी सोलो इंस्ट्रूमेंट प्रस्थापित होने के लिए, क्योंकि अभी वो झगड़ा चालू है एक्चुअली हारमोनियम का। बिल्कुल। और मैं तो इसको थोड़ा अगर और आपकी बात को विस्तार दूं तो ये लड़ाई दूसरा जो बहुत प्रचलित वाद्य यंत्र है तबला, वो भी लड़ रहा है। मतलब अगर आप गिनती के 10-12 आर्टिस्ट छोड़ दें, मतलब अगर आप जाकिर भाई को छोड़ दें, तो अब भी इस देश के बड़े बड़े तबला वादकों का भी जो रेशियो है ना सोलो प्रोग्राम मिलने का और संगत करने का, वो लगभग ऐसा ही है। क्योंकि ये कहीं ना कहीं गुट्टी की तरह बांट पिला दिया गया है कि तबला हारमोनियम ये सब संगत के वाद्य यंत्र हैं, इनके सोलो बहुत कम होते हैं। इस सोच को बदलने की जरूरत है, और इस सोच को बदलने के लिए मुझे लगता है आप जैसे कलाकारों की जरूरत है, संगीत की, संगीत के क्षेत्र को, क्योंकि एक मजबूत विचारधारा के साथ ही अपनी बात कही जा सकती है। चलिए अब मुझे ये भी बताइए सुयोग जी, आपको आपको इतना अच्छा सुयोग मिला है इतने बड़े बड़े कलाकारों के साथ, मतलब आपने भी चार नाम जो लिए वो चार नाम ही मतलब रोंगटे खड़े कर देने वाले हैं, चाहे वो किशोरी जी हो, प्रभा जी हो, मतलब पीढ़ियां पीढ़ियां निकल जाएं और आप इनके संगीत में डूबे रहें, मतलब डिफाइन नहीं कर पाएंगे कि की चीज ठीक है क्या ये लोग, या जो जैसे किशोरी जी तो अब नहीं रहे, आपने उनका तानपुरा ट्यून किया, आपको ये सौभाग्य मिला, आपको उनके साथ मंच साझा करने का सौभाग्य मिला, थोड़ा सा बताइए उनके बारे में। और मतलब जो हम जान सकें एक एक ऐसे व्यक्ति से जब हम बात कर रहे हैं जो उनके साथ बैठा है, जिसने सुना है, तो क्यों ना उनके बारे में कुछ बताइए। बिल्कुल, ये मेरे लिए सौभाग्य की बात रही कि मतलब मेरे 3 पीढ़ियों को संगत करने का अवसर मुझे मिला। मतलब आदरणीय गंगूबाई हनगल जी हो, पद्मावती शालिग्राम जी हो, और उनके आगे की पीढ़ी हम कहेंगे किशोरी ताई की है, प्रभा ताई की है, चूंकि बहुत बुजुर्ग है मुझे, मेरे लिए भी। उसके बाद है अश्विनी ताई जी, उनकी मतलब वो पीढ़ी मेरे उम्र के कलाकार और मेरे से उम्र में छोटे कलाकार। तो ये सबके साथ मैंने संगत की, और किशोरी ताई जी के साथ मुझे 17 वर्ष लगातार संगत करने का सुयोग मिला, ऐसे ही मैं समझता हूँ। और उन 17 वर्षों में उनका एक हारमोनियम संगतकार और एक मैं उनको अप, उन मैं मुझ मुझे उनका शिष्य ही मानता हूँ, क्योंकि इतना संगीत मिला है उनसे मुझे, बहुत, जो मैं शायद मेरे लास्ट तक भी वो पूरा नहीं हो पाएगा, इतना भंडार मिला है। तो जैसे किशोरी ताई को सब देखते हैं, वैसे तो वो बहुत स्ट्रिक्ट थी, लेकिन बहुत प्यार मिला है किशोरी ताई जी का मुझे, और सभी उनके जो एकम्पनिस्ट थे, बहुत प्यार मिला। एक बच्चे की तरह वो हमें ट्रीट करती थी। पहले 1-2 साल बहुत कठिन परीक्षा थी कि ये बच्चा कितना टिकता है, सीरियस है कि नहीं, और वो सब हुआ। और उसके बाद जो ताई के लास्ट प्रोग्राम तक मुझे उनके साथ रहने का और हर एक प्रोग्राम में संगत करने का सौभाग्य मिला, और जो ताई सुरों को देखती है, राग रूप को देखती है, इतनी बारीकियों से, बारीक नजर से देखती है, वो बोलती थी हमें हमेशा कि ये स्थूल में मत रहो, आप सूक्ष्म में जाने की कोशिश करो। तो वो कैसे जाती थी हमें अभी भी समझ में नहीं आता, लेकिन वो हम नजदीक से बहुत देख सकते थे उनका रियाज क्या है, वो स्टेज पे कैसे बैठती है, उनका डिसिप्लिन क्या है, जब गाने के बारे में सोचना हो, बोलना हो या परफॉर्म करना हो, तो कॉन्सर्ट से पहले 2-3 हफ्ते वो वही राग का रियाज करती थी। ये बहुत, मतलब आजकल जो चल रहा है, मतलब फास्ट
आज ये इकरार लिया, कल दूसरी बंदिश ली, कल तीसरी बंदिश ली, तो ऐसे नहीं होना चाहिए। लास्ट ताई का जो लास्ट प्रोग्राम दिल्ली में ही हुआ था, कमानी में, तो एक मतलब वो बहुत बड़ी बात है, वो प्लान करती थी पहले से कि क्या गाना है, तो उन्होंने भूपाली भूप प्लान किया था उस प्रोग्राम में परफॉर्म करे। लेकिन जब ग्रीन रूम में आई ताई, तो उन्होंने कहा कि अरे मुझे मेरे मन में जो भूप है वो नहीं आज जम रहा। तो उनके सुशिष्य पंडित रघुनंदन पणशीकर जी भी ग्रीन रूम में थे, हम सभी लोग थे, और ताई को बोले ताई भूप तो आपका राग है, लेकिन वो बोली नहीं, वो जो है वो नहीं अभी दिमाग में अच्छी तरह से आ रहा, राग बदलते हैं। और ये ताई ने कभी नहीं किया एक्चुअली, पहला राग वो कभी नहीं बदली, पहला राग जो मन में था उसका प्रैक्टिस करके ही वो प्रेजेंट करती थी। लेकिन मुझे लगता है वही पहली और वही आखिरी महफिल रही कि जो पहला राग ताई ने बदल दिया, पुरिया धनाश्री गाया ताई ने, और बाद में जो कौशिका नडा गाया, मतलब वो अनबिलीवेबल है, और वो यूट्यूब पे अवेलेबल है, श्रोतागण जरूर उसको सुन सकते हैं। तो क्या मतलब समा बांधा था उस पुरिया धनाश्री और कौशिका नडा ने, वो भूल ही नहीं सकता मतलब। और छोटी छोटी बातें भी हैं, जब पहली 1-2 साल में, जैसे मैंने कहा, वो परीक्षा लेती थी, ले रही थी मेरी, एक प्रोग्राम में कुछ उनके लय से मेरी हल्की सी, ऐसा होना नहीं चाहिए, लेकिन तान का स्पीड मेरा हल्का सा बढ़ा फॉलो करते वक्त, रिपीट करते वक्त, तो जस ताई ने मेरी तरफ ऐसे प्यार से देखा, और प्रोग्राम के बाद मुझे बोली, मेरी जवानी में मेरे साथ रहता था तो पूरा तुझे, मतलब हम मराठी में बोलते थे दमौला सतुला, माने कहीं का ना छोड़ती तुझे, इतना मतलब स्पीड से हाथ चलाना है ना, तो उस वक्त आता था तो मैं, ऐसे बात है, वो लास्ट तक उनके गले का स्पीड कमाल का था, ये हम सभी जानते हैं, लेकिन छोटी सी गलती भी उन्होंने बहुत अच्छी तरह से मुझे दिखा दी, और उसके बाद कभी शिकायत का मौका नहीं दिया था इन्हें। कोरोना के दौरान संगीत प्रेमियों का ये दुर्भाग्य था कि पंडित देबू चौधरी और उनके पुत्र प्रतीक चौधरी दोनों ही लोग देखिए चले गए, वरना देबूदा ये बात अक्सर कहते थे कि मतलब कभी कभी प्रतीक मेरे साथ जब बैठता है तो बदमाशी करता है। तो मैंने कहा मतलब बदमाशी करता है, मतलब दादा, तो कहते हैं वो थोड़ा स्पीड पकड़ने का कोशिश करता है, लेकिन मैं भी उसको छोड़ता नहीं है, उसको लगता है कि मैं बूढ़ा हो गया हूँ, लेकिन मैं भी इसको छोड़ता नहीं है। तो आपने जब ये बात कही तो मुझे उनका किस्सा याद आ गया, और खैर मेरी तरफ से और सुयोग की तरफ से, क्योंकि दोनों ही बड़े गुणी कलाकार थे, हम लोग उनको आज विनम्र एक बार ऐसे याद भी कर लिया, हम लोगों ने देखिए तो उनको नमन भी करते हैं और अपनी बातचीत को आगे बढ़ाएं। सुयोग, प्रभा जी तो कहती भी हैं कि और बताती हैं कि उन्होंने तो अपनी शास्त्रीय संगीत की तालीम जो है उसकी शुरुआत में कई महीनों महीनों तक एक राग सिर्फ सीखा, क्योंकि जी उस जी एक राग के सीखने के बाद से जो एक प्रचलित कहावत है कि एक साधे सब सधे, फिर तो आपको सिर्फ कहीं पर कोई कोमल सुर लगाना है, कहीं पर कुछ तीव्र लगाना है, कहीं पर कुछ नहीं लगाना है, ये परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन ही तो शास्त्रीय संगीत है बेसिकली। तो आपको निभाने की कला समझ में आनी चाहिए, उसमें डूबने की कला समझ में आनी चाहिए। तो ये बात तो ये लोग कहते भी हैं, बड़े कलाकार। जी 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 और प्रभाताई जी के साथ भी मैंने बहुत संगत की, उनका बड़ा आशीर्वाद मिला। सौभाग्य से मेरी जो धर्मपत्नी है सुश्री आरती कुंडलकर जी, वो उनकी शागिर्द रही हैं, अभी तक बहुत साल तालीम ली है उन्होंने। और मेरा जब बंदिश संग्रह, कंठ संगीत के बंदिशों का संग्रह प्रकाशित हुआ, तो उसको आशीर्वचन भी मुझे प्रभाताई से मिले हैं, और दोनों इतने बड़े कलाकार, मतलब एक तरफ किशोरी ताई एक तरफ प्रभा ताई, अपनी अपनी सोच लेके चल रही है, और मुझे उनके साथ संगत करने का और सीखने का सौभाग्य मिल रहा है। ये शायद मैं बहुत इस मामले में रिच हूं बहुत, कि इतने बड़े कलाकारों के साथ उनका ज्ञान नजदीक से देखने का और सुनने का मुझे अवसर मिला। और मेरे गुरु डॉक्टर अरविंद ठत्ते जी, जो कि एक विशाल दृष्टि रखते हैं, विशुद्ध दृष्टि से देखते हैं, ना कि प्रिजुडाइज माइंड से वो देखते हैं संगीत को, तो ये तीनों धाराएं मतलब मुझे मिल रही हैं सोचने के लिए, और मैं ऐसे
सोचता हूँ और फॉलो भी करता हूँ कि जिसके जिसके साथ मैं संगत करता हूँ वो मेरे गुरु ही है। बाकायदा गुरु ना होंगे लेकिन मैं उनसे कुछ ना कुछ चुराता हूँ, ऐसे मैं जरूर कहता हूँ, लेता हूँ और चुराता भी हूँ, बंदिशें चुराता हूँ उनसे। मुझे एक बार बंदिश मैं सुनूंगा तो वो झट से मेरे दिमाग में आ जाती है। तो ऐसे बहुत कलाकारों से, अच्छे अच्छे कलाकारों से मैंने कुछ ना कुछ लिया है और लेता रहूंगा, क्योंकि इससे ही अपग्रेड हम होते हैं, हमारी सिस्टम अपग्रेड होती है आज के टेक्निकल लैंग्वेज में हम बोले तो, और ये होना चाहिए। ये रुक गया तो आर्टिस्ट मर गया, आर्टिस्ट मरता है, ये नहीं होना चाहिए। बिल्कुल। और सुयोग, आपने इतने मतलब बहुत ही साफगोई से बता दिया कि किशोरी ताई ने इसे एक बार डांट भी पड़ी थी, तो इतने बड़े बड़े कलाकारों के साथ, मतलब मैं आपकी जब सब्सक्राइबर्स को भी बताऊंगा, जब मैं सुयोग जी के बारे में विस्तार से अध्ययन कर रहा था इंटरव्यू से पहले, तो मैंने सिर्फ उन कलाकारों का नाम पढ़ा जिनके साथ इन्होंने संगत की है, और मुझे समझ में आ गया कि इनको इनकी कला इस वक्त कहाँ पर है, इसमें कुछ कहने की जरूरत है भी नहीं मुझे, और मैं कुछ कह भी नहीं सकता, मैं इतना बूढ़ी व्यक्ति नहीं हूं। लेकिन आप सुयोग, और कुछ कलाकारों से कभी डांट पड़ी या बाकी सबने पीठ ही थपथपाई? पीठ भी थपथपाते हैं। और ये जो बुजुर्ग पुराने जमाने के कलाकार थे ना, वो एक वाक्य में आपको करेक्ट दिशा देते थे, जो आजकल कम हो रहा है, क्योंकि ये होना चाहिए। हम जब उम्र में छोटे हैं, ना समझ रहते हैं, तो ये बड़े कलाकार ही आपको अच्छी दिशा दिखाते हैं। आपने आपाजी का जिक्र किया, विदुषी गिरजा देवी के साथ मैं पुणे में एक बार बजा रहा था, और मैं उस वक्त तक आदरणीय पंडित बाला साहब पूंछवाले जी, पंडित वसंतराव राजूरकर जी, मालिनी ताई जी से थोड़ा बहुत टप्पा सीखा था और संगत भी करता था। तो आदरणीय गिरजा देवी जी ने टप्पा शुरू किया तो मैं एकदम खुश हो गया कि अरे वाह, आज मुझे टप्पा बजाना है इतनी बड़ी कलाकारा के साथ। तो जैसे ताई के साथ हुआ था, वो गिरजा देवी जी हमेशा बोलती थी कि टप्पे की जो ताने हैं वो सवा दाने की तान, दो दाने की तान, वगैरह वगैरह। तो मेरे से जो उनकी लय तान की चल रही थी, टप्पे की तान, तो जस्ट एक दाना थोड़ा ज्यादा बज गया। तो देखो ऐसे हमेशा नहीं, मुझे लगता कोई किसी को जनरल ऐसे नहीं डांटता। उनको लगा होगा कि ये बच्चा अच्छा कर रहा है तो इसको सीख मिलनी चाहिए, तो उन्होंने स्टेज पर ही मुझे कहा कि बेटा अभी मेरी ये दो दाने की ही तान चल रही है, तो देखो वो कैसे निभाना है। फिर उन्होंने वो फिर से ली और फिर से मुझे बजाने का अवसर दिया, ऐसे नहीं कि खाली डांटा। और डांटा, वो डांटना नहीं है, वो प्यार से सिखाना समझाना है, मैं उसे डांटना नहीं कहूंगा। धन्यवाद शिवेंद्र जी, आपको और आपकी रागगिरी इस YouTube चैनल को मैं बहुत धन्यवाद देता हूँ कि इस चैनल के जरिए मुझे मेरे कुछ विचार व्यक्त करने का अवसर मिला। धन्यवाद।